नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए कई अलग अलग परियोजनाओं का आज वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्वती मंदिर के भूमि पूजन समारोह में भी शामिल होंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे भारत में लोगों को बरगलाना, सैरगाह का निर्माण, प्रदर्शनी केंद्र और पार्वती मंदिर का निर्माण शामिल हैं। और ऐसे में सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर में इन योजनाओं को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम शुक्रवार को प्रस्तावित है। और बता दें कि सोमनाथ मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल पथ का निर्माण प्रसाद योजना के तहत किया गया था और ऐसे में इसे 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल लागत से विकसित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को कहा कि गुवाहाटी एयरपोर्ट हमेशा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से ही जाना जाएगा। उन्होंने ये टिप्पणी एयरपोर्ट का नाम कथित तौर पर बदले जाने से उत्पन्न हुए विवाद पर दिया है। बता दें, एयरपोर्ट को गुजरात आधारित अडानी समूह को सौंपे जाने के खिलाफ विपक्षी दल, छात्र और युवा संगठन विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंगलवार और बुधवार को कुछ जगह पर यह विज्ञापन दिखाया गया था जिसमें कहा गया था कि एयरपोर्ट के नाम को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया था। हालांकि विज्ञापन अडानी गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा जारी किया गया था और इसमें लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कुछ गैर एयरनॉटिकल सेवाओं के लिए भी निविदा मांगी गई थी। और ऐसे में गोलाघाट में कार्यक्रम के दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि कोई भी एयरपोर्ट का नाम बदला नहीं जा सकता है, ये हमेशा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ही रहेगा और किसी को भी नाम को लेकर विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक वो असम के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक एयरपोर्ट का नाम नहीं बदला जाएगा। ऐसे में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई के नाम पर ये एयरपोर्ट का नाम रखा गया है और साथ ही भारत रत्न से सम्मानित बोरदोलोई का प्रदेश के लोग अभी भी बहुत सम्मान करते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित शिक्षा व्यवस्था अब फिर से पटरी पर तेजी से लौटने लगी है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 23 अगस्त से जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई के लिए शुरू करने की घोषणा करने के बाद सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के सभी बोर्डों के प्राथमिक स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में राज्य में बता दें 16 अगस्त से ही माध्यमिक, उच्च प्रावधायिक और व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने का आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही स्कूलों में 1 सितंबर से कक्षाएं भी चलेंगी और महानिदेशक स्कूल शिक्षा से कहा गया है कि स्कूलों में पठन पाठन कराने के इंतजाम पूरे किए जाएं। बेसिक शिक्षा विभाग कोविड-19 को देखते हुए जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी करेगा। ऐसे में बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव आरबी सिंह ने बेसिक शिक्षा परिषद, मान्यता प्राप्त और अन्य बोर्डों के स्कूलों में भौतिक रूप से पढ़ाई करने का आदेश भी दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आलाकमान से मंत्रिमंडल विस्तार की हरी झंडी के बाद अब पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश इकाई में अपनी सरगर्मी बढ़ा दी है। दरअसल लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए भी सिद्धू ने अब 2 मीडिया सलाहकार नियुक्त कर लिए हैं, जबकि कैप्टन के पास सिर्फ 1 ही मीडिया सलाहकार है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्विटर के जरिए सिद्धू आम लोगों तक उतनी पहुंच नहीं बना रहे जितनी सरकार के मुखिया के रूप में कैप्टन बना चुके हैं। इसीलिए जगतार सिद्धू और सुरेंद्र डल्ला को मीडिया सलाहकार बनाया गया है। इससे पहले बता दें, कैप्टन के दिल्ली में होते हुए सिद्धू ने अपने लिए 4 राजनीतिक सलाहकार की नियुक्ति का ऐलान भी किया था। हालांकि पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने बाद में सलाहकार के तौर पर काम करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में कैप्टन से चंडीगढ़ लौटते ही
सिद्धू ने 13 नगर निगम क्षेत्रों के कांग्रेस विधायकों की बैठक भी बुलाई थी और सीएमओ के जरिए पटियाला नगर निगम क्षेत्र से विधायक और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बैठक में आने के लिए कहा गया था। कैप्टन नहीं पहुंचे और बिना एजेंडे के आनन फानन में ही बुलाई गई मीटिंग पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद सिद्धू ने अपने करीबी जालंधर से विधायक परगट सिंह को पार्टी का महासचिव नियुक्त कर प्रदेश प्रधान के रूप में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। दिल्ली सरकार ने बुधवार को मुहर्रम पर 20 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले 19 अगस्त को मुहर्रम की छुट्टी यानी कि आज के दिन मुहर्रम की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन इस संबंध में अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद इसे बदलकर शुक्रवार को कर दिया गया, यानी कि अब छुट्टी 20 अगस्त को होगी यानी कि कल। ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया था कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने मुहर्रम के अवसर पर होने वाले अवकाश को संशोधित कर गुरुवार के बजाय शुक्रवार किया है और इसी के मुताबिक मुहर्रम के अवसर पर शुक्रवार यानी कि 20 अगस्त को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के खतरे को देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों ने मुहर्रम को लेकर अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं और इन गाइडलाइंस का मकसद जुलूस में होने वाली भीड़ को कम करना और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना होगा। और बता दें कि मुहर्रम को लेकर किस राज्य में क्या गाइडलाइंस हैं ये भी आपको बता देते हैं कि दिल्ली सरकार ने छुट्टी जो है वो कल कर दी है, यानी कि पहले 19 अगस्त को थी वो छुट्टी अब बढ़ाकर 20 अगस्त को कर दी है। इसके अलावा भी तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर अलग अलग तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने बल पर मुहर्रम के लिए अलग अलग गाइडलाइंस जारी की हैं। अपने करीबी आकाश यादव को पदमुक्त किए जाने से हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव खासा नाराज हैं। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस फैसले को आरजेडी के संविधान के खिलाफ बताया है। दरअसल आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बुधवार को कई दिनों बाद बिहार की राजधानी पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने पार्टी के संबंध में बड़ा फैसला भी लिया था। उन्होंने पार्टी के छात्र विंग की जिम्मेदारी गगन कुमार को सौंपी थी। इससे पहले बता दें छात्र विंग के अध्यक्ष आकाश यादव थे और ऐसे में आकाश यादव को पदमुक्त किए जाने से भर के तेज प्रताप ने ट्वीट कर कहा कि प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलती है और आरजेडी का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते हैं। आज जो कुछ हुआ वो आरजेडी के संविधान के खिलाफ हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा रेल हादसा होने से टल गया है। दरअसल कानपुर देहात में झिंझक स्टेशन के पास दिल्ली हावड़ा रेल लाइन की OHE लाइन टूट गई, जिससे ट्रैक बाधित होने से कई एक्सप्रेस ट्रेनों को पीछे के स्टेशनों पर ही रोक दिया गया, जिससे डाउन का रेल यातायात ठप हो गया। बता दें लाइन टूटने से बिहार संपर्क क्रांति और भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेनें सहित दर्जनों ट्रेनें फंस गई हैं और ये मामला दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग का बताया जा रहा है। दरअसल महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन से मवेशी की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद मवेशी OHE लाइन से खंभे से टकरा गया और तार टूट गया। तार टूटने से यातायात भी प्रभावित हुआ और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो बता दें कानपुर का यह पूरा मामला है जहां पर दिल्ली हावड़ा रूट पर दर्जनों ट्रेनें फंसी हुई हैं अभी भी। दरअसल एक मवेशी ट्रेन से टकरा गया था, जिससे वो कानपुर में OH लाइन से खंभे से टकरा गया था, जिसके बाद पूरी तरह से यातायात बाधित हो गया। हालांकि बता दें लाइन टूटने की वजह से बिहार संपर्क क्रांति और भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेनों सहित दर्जनों ट्रेनें ऐसी हैं जो फंस गई थी रास्ते पे। ये पूरा मामला दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग का बताया जा रहा है। दरअसल महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन से मवेशी की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद मवेशी OHE लाइन से खंभे से टकरा गया था और जिसकी
वजह से मवेशी के टकराने की वजह से तार जो है वो टूट गया था, जिससे पूरा यातायात प्रभावित हुआ और कई ट्रेनें ऐसी थी जो फंस गई थी रास्ते में, जिसकी वजह से कई सारे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जम्मू कश्मीर में आज सवेरे 5:08 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, बता दें, जानकारी के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 दर्ज की गई थी और जैसे ही लोगों को धरती हिलने का एहसास हुआ, सब बाहर की तरफ दौड़ पड़े और लोगों में भूकंप के बाद दहशत का माहौल था। हालांकि अभी इस कंपन से किसी हानि का पता नहीं चला है। तो बता दें, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए 5:08 पर। हालांकि भूकंप की तीव्रता जो थी वो 3.6 रही थी और इसीलिए कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। गनीमत ये रही कि सुबह के समय ये भूकंप था तो ज़्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे, कोई अफरा तफरी जैसा माहौल कहीं भी नहीं बन पाया और स्थिति काबू में रही और अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल रही कि किसी नुकसान किसी चीज़ का हुआ हो। हालांकि तीव्रता भूकंप की कम थी, 3.6 थी, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। शहरी मामलों के स्थायी संसदीय समिति 20 से 25 अगस्त तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी। इस समिति के दौरे का मकसद दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी विकास और अन्य कल्याण परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे का विस्तार से प्रशिक्षण करना होगा। बता दें, बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति में और राज्यसभा और लोकसभा के 30 सदस्य शामिल हैं और समिति अपने दौरे की शुरुआत 20 अगस्त यानी कि कल से श्रीनगर से करने वाली है। ऐसे में कार्यक्रम के मुताबिक पहले दिन समिति कई विभागों के अधिकारियों से मुलाकात करेगी और कई परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेगी। वहीं समिति के सदस्य स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, शहरी और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, श्रीनगर और जम्मू में मेट्रो परियोजना को लागू करना, दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना और CPWD की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी करेंगे। वहीं दूसरे दिन समिति के सदस्य पहलगाम जाएंगे और पहलगाम के बाद समिति गुलमर्ग जाकर स्थानीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी और इसके बाद बताते हैं विकास कार्यों का जायजा 5 दिन में समिति की तरफ से लिया जाएगा और ये समिति 20 अगस्त यानी कि कल से 25 अगस्त तक के बीच में लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली है और इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में विकास कार्यों का जायजा लिया जाएगा। वहाँ के अधिकारियों से समिति के लोग बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे, वहाँ के विकास के बारे में जानकारी लेंगे। दिल्ली वासियों को एक बार फिर से गर्मी से राहत मिलने वाली है। जी हां, मौसम विज्ञान विभाग ने शाम से बारिश की वापसी की बात कही है, यानी कि आज शाम से बारिश हो सकती है और जानकारी के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को तेज बारिश की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 21 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि 24 अगस्त से फिर मौसम एक बार गर्म हो जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 27.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं हवा की नमी 45% से 85% तक रही और ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दिन भर बादल छाए रहेंगे और शाम और रात को हल्की बारिश की भी होने की उम्मीद है। ऐसे में अधिकतम डिग्री 36 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 28 डिग्री तक जा सकता है।
उत्तराखंड के कालाझुंगी में पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कमोला भीमपुरी में काश्तकारों की जमीन का भूकटाव हो रहा है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। वहीं पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख और संयोजक मनोज पाठक ने परेशान किसानों की जमीन के नुकसान का जायजा लिया। वहीं बता दें, कमोला भीमपुरी में भी भारी बारिश के चलते नाले का बहाव खेतों में आ रहा है। कमोला भीमपुरी के काश्तकारों की 10 से 12 एकड़ जमीन भूकटाव से काश्तकारों में रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। वहीं ग्रामीणों ने कई जनप्रतिनिधियों को नुकसान की जानकारी दी, लेकिन किसी ने पीड़ित किसानों की एक न सुनी। वहीं नारायण सिंह डोगरा ने पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक से फोन पर बातचीत की और किसानों की जमीन के कटाव के संबंध में उन्हें जानकारी दी और जल्द ही अधिकारियों को किसानों की समस्या को सुलझाने की बात भी कही है। सर, मेरा नाम नारायण सिंह डोभाल, मैं ग्राम कमोला भीमपुरी गेट का निवासी। सर, हमारे वहाँ लगभग 10 एकड़ ज़मीन इस प्राकृतिक आपदा ये पानी के तेज कटाव से प्रभावित है, जिसमें मिलिट्री फार्म का सारा पानी हमारे रोड को क्रॉस करते हुए खेतों में आ रहा है और नाला तो यहाँ पहले से ही है और उस नाले जब ज़्यादा बारिश होती है तो नाले का पानी भी वापस लौट कर खेतों में आ जाता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत सर हमें ये जो मिलिट्री का पानी, जो उसका रुकावट नहीं है मिलिट्री वालों के पास, वो पानी सब पुलिया को क्रॉस करते हुए और सारे खेतों में आके बड़े बड़े साफ गड्ढे बना दिए हैं। थोड़ी सी बारिश भी होती है तो मिलिट्री का सारा पानी इकट्ठा होकर हमारे खेतों को आ रहा है। इससे कम से कम 10-12 एकड़ ज़मीन प्रभावित है। ये जगत सिंह सामंत के खेत में फर्स्ट एंट्री इस पानी की इसके खेत से होती है और नीचे फिर कई काश्तकार हैं, उनमें ये पानी बहते हुए मिट्टी का कटाव करते हुए जंगल तक चलेगा। कमोला क्षेत्र में बाढ़ आने से पूरा भू कटाव का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसानों को काफी क्षति हो गई है और हमारे क्षेत्रीय जनता में से जगत सिंह सामंत, कुंदन जी, इन सब लोगों ने मुझे बताया और आकर के मैंने देखा जिस तरह से स्थिति है, इसमें शासन के उच्चाधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक जी को अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में देवबंद का नाम देवव्रंद किए जाने की मांग नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन को भेजा पत्र है। बता दें कि देवबंद इन दिनों काफी सुर्खियों में रहा है और ऐसे में यूपी प्रांत के संयोजक विकास त्यागी ने यूपी नगर के विकास मंत्री आशुतोष टंडन को पत्र भेजकर सहारनपुर के देवबंद का नाम जल्द ही देवव्रंद करने की मांग की है। ऐसे में बजरंग दल के नेता विकास त्यागी ने कहा कि देवबंद की पहचान दारुल उलूम से नहीं होती बल्कि माता बाला सुंदरी देवी मंदिर और महाभारत काल से है। उन्होंने कहा कि महाभारत काल में पांडवों ने देवबंद इलाके में अज्ञात वास काटा था और जबकि दारुल उलूम का इतिहास सिर्फ 100 से 150 साल पुराना ही है, जो कि इतिहास में भी दर्ज है। उनकी मांग है कि यूपी सरकार जैसे अन्य मुगल का किसानों का नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पर कर रही है, वैसे ही देवबंद का नाम भी जल्दी से देवव्रंद किया जाए। विकास त्यागी ने बताया कि कई बार शासन को पत्र लिखा गया था इस बारे में, जिसके बाद शासन ने इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। उम्मीद है कि जल्द ही सूबे की सरकार देवबंद का नाम बदलकर देवव्रंद कर देगी। नगर विकास मंत्री को संबंध नगर विकास मंत्री जी को जो ज्ञापन दिया है वो देवबंद का नाम परिवर्तन कर देवव्रंद किए जाने के संबंध में है और केवल ये मांग हमारी अभी से नहीं उठी बल्कि ये मांग हमारी पिछले कई वर्षों से उठी हुई है, जिसके संबंध में हम लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन देकर देवबंद का नाम परिवर्तन कर देवबंद की मांग हम लोगों ने की है। इससे पूर्व भी 2018 में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना जी को हम लोगों ने लखनऊ में और एक ज्ञापन हम लोगों ने वहाँ दिया था और उसी ज्ञापन के आधार पर यहाँ से स्थानीय प्रशासन से प्रस्ताव मांगा गया है और उसी प्रस्ताव के आधार पर देवबंद का नाम देवव्रंद परिवर्तन कर और इसकी प्रक्रिया पूरी चल रही है और बहुत मुझे आशा है कि योगी जी जिस प्रकार से शहरों के, नगरों के और ये मुगल कालिक नाम हो या प्राचीन काल में कुछ नाम थे और इस समय कालांतर बिगड़ते बिगड़ते इनके नाम कुछ और हो गए। मथुरा में उत्तर प्रदेश में 2022 चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपना चुनावी शंख बजा दिया है। इसी के चलते कांग्रेस द्वारा जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता
द्वारा प्रत्येक जिले में ब्लॉक और गांव स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए गांव में डेरा डालकर आम जनमानस की समस्याओं का निस्तारण करने और आम जनता के बीच पैट बनाने और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। इस अभियान के दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी गाँव में संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और इस दो दिवसीय महाअभियान के दौरान कई कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। इस दौरान गांव के गणमान्य लोगों से भी संपर्क स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन है और उस दिन भी पार्टी गांव में आम जनों से मिलकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप माथुर का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व द्वारा मेरा भारत महान अभियान कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व द्वारा शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। शहर कांग्रेस कमेटी ने संपूर्ण जनपद में, चाहे टाउन एरिया हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे न्याय पंचायत हो, पूर्ण संपूर्ण जिले में कम से कम 200 जगह पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और 3 दिन का प्रवास करेंगे। प्रवास के दौरान हम भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में जनता को अवगत कराएंगे, जगह जगह नुक्कड़ सभा करेंगे और प्रभात फेरी निकालेंगे। 7:30 बजे हम जब फेसबुक लाइव करेंगे, हमारा उद्देश्य है भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ जनता को उससे जागरूक करना और उनको समझाएंगे। आपने अगर अभी नहीं समझे तो निश्चित रूप से अभी तो ये कंपनी बेच रही है भाजपा, आने वाले दिनों में देश को बेच देगी। देखिए, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के यहाँ एक ट्रेजरी हो गई है, वो आ नहीं पाए हैं। उनके पास उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी और अजय कुमार लल्लू जी के द्वारा भेजे गए एक जय भारत महा जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम आया है, जिसमें कि सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें गांव सेलेक्ट कर लिए गए हैं, ड्यूटियां लगा दी गई हैं। उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों की तरफ से चार धाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने से आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने देवप्रयाग में जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान संगम पर राज्य सरकार का पुतला भी फूंका गया। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करेगी, उनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नवंबर 2019 में उत्तराखंड विधानसभा की तरफ से चारों धामों और अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के संचालन के लिए एक विधेयक विधानसभा में पास किया गया था, जिसे नाम दिया गया था देवस्थानम एक्ट। इस एक्ट के तहत मंदिरों में आए चढ़ावे का पूरा हक इस बोर्ड का होगा। इसके अंतर्गत सामाजिक कार्य, चार धाम यात्रा विकास, यात्रियों को दी जाने वाली हर सुविधा पर पूरा नियंत्रण इस बोर्ड का होगा और इस बोर्ड के मुखिया खुद राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। इसी मामले में तीर्थ पुरोहित लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक्ट हमारी संस्कृति के खिलाफ है। उनकी मांग है कि इस एक्ट को भंग किया जाए और जैसे सालों से मंदिर के पुरोहित हर चीज की देखभाल करते आए हैं, वैसे ही चलते रहने देना चाहिए। मंदिर समितियों का पक्ष है कि सभी विकास कार्य जो सरकार करने के दावे कर रही है, वही सारे काम मंदिर समितियां भी करती आई है। बस इसमें थोड़े सुधार की जरूरत है, जिसे दूर किए जाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिया है, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि ये आंदोलन और तेज होगा, दिनों दिन और तेज होगा। और जो हाई पावर कमेटी सरकार ने बनाई है, तो हम इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड भंग कर दें और पूर्व की भांति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जैसे कार्य करती थी वो करें। बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह डेवलपमेंट हो, कोई हमें उसका ऐतराज नहीं। सारी जगह की यात्राएं खोली हुई है, केवल चार धाम यात्रा ही बंद करी हुई है। सारे पर्यटन आपने खोल चुके हैं और हमारे चार धाम ही बंद किए हुए सरकार ने, इसलिए ये सरकार से निवेदन है कि इस जल्दी से जल्दी इस देवस्थान बोर्ड को भंग करके और हमारी यात्रा चालू कर दी जाए।
मामले में तीर्थ पुरोहित पिछले काफी समय से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की थी, पर उसका कोई खास निष्कर्ष निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। अब तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती तो उनकी तरफ से 17 सितंबर को चारधाम हक हकूधारी महापंचायत की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास पर कूच किया जाएगा। देवप्रयाग से भगवान सिंह, न्यूज वन इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वन इंडिया।